क्वेश्चन है का फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन दिस, यानी कि ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये प्लेन किस प्लेन के पैरेलल है? एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, इस प्लेन के पैरेलल ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, ठीक, विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट फ्रॉम दिस, ठीक है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है वो टू यूनिट के डिस्टेंस पे होगा इस पॉइंट से। अब देखो, अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो जैसे हमें इसकी इक्वेशन दी है तो हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड, ये तीनों चीज़ तो सेम रहेंगी, बस यही तो डिफरेंस डिफरेंट होगा यहाँ पे, तो इसको ले लो प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये किसकी प्लेन होगी, ये दोनों प्लेन के आपस में पैरेलल देख के पता चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये किससे ये इस पॉइंट से, यानी कि 2,1,1 से कितनी दूरी पर है, टू यूनिट्स, ठीक है। तो ठीक है, सिंस यहाँ लिखेंगे हम क्या, सिंस रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस एट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन तो वो क्या आ जाएगी, एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई, बस यही डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। अब सिंस रिक्वायर्ड प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ टू यूनिट्स फ्रॉम 2,1,1, तो क्या होगा वो डिस्टेंस, देयरफॉर टू यूनिट्स डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो क्या होगा एक्स की जगह टू प्लस वाई की जगह कितना वन और जेड की जगह भी कितना आएगा वन प्लस कितना डी अपॉन में अंडर रूट, इनके एक्स वाई जेड के कोफिशियंट्स के स्क्वायर का सम, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर और माइनस टू का स्क्वायर भी कितना फोर, और इसमें क्या क्योंकि ये डिस्टेंस है तो क्या लगा दो मॉडुलस, ठीक है। अब ये मॉडुलस हटेगा तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस टू इक्वल्स टू, ये टू से टू कैंसिल तो यहाँ क्या बचा टू प्लस डी अपॉन चार चार आठ और एक नौ, तो यानी कि कितना आ गया ये थ्री, तो प्लस माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू प्लस डी, ठीक। तो प्लस माइनस सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू कितना डी, ठीक है। तो जो डी आया वो क्या आएगा सिक्स माइनस टू, यानी कि डी कितना आ गया फोर, ठीक है, और माइनस सिक्स माइनस टू, पहले हमने प्लस सिक्स ले लिया अब हम क्या ले रहे हैं माइनस सिक्स ले रहे हैं, तो डी कितना आ गया माइनस एट, ये दो आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिख सकते हैं, तो हमें डी भी पता चल गया, उसने इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछी थी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस कितना फोर इक्वल्स टू जीरो, और एक बार क्या रख दो माइनस एट, तो उसमें क्या होगा एक्स प्लस टू वाई माइनस माइनस टू जेड माइनस एट इक्वल्स टू जीरो, तो या तो ये और ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन।